दवाई देनी सी ते मेरा ना दो तीन महीने हो गए सन बिल ना नहीं सी दिता जाता बच्चा को ते और ना फिर मैं मतलब कि ना मैं खुदा ने मैनू गाइड किया कि तू ना बेटी ना शेयर कर गल ते फिर मैं ना तुहाडे नाल कीती सी गल ते बेटी ने भी मतलब सन्ना ने मेरी मदद की ते खुदा पहली गल खुदा ने की मेरी मदद बड़ी मैं उठी फिर मैं बह गई मैं क्या मैं कि जाके कहांगी फिर मैंने खुदा ने कहा कि नहीं तू जाके कह सही फिर मैं बेटा उठी दोपहर का टाइम सी दो ढाई का फिर मैं आ गई तो मैं अगे गल की फिर मैं अगे गई जॉन साहब मिल पे फिर जॉन साहब ने आखन लगे बाजी के चैनल बना दो उन्होंने मैं गल की मैं उन्होंने बह जाओ इतनी मैं बह गई तो उन्होंने गल की मैं मेरा जो मीटर कट्टन वाला सी अंधेरे से नहीं डुबा खुदा का शुक्र आ कि तुसी मेरी मदद की ते मेरा खुदा ने घर जेड़ा ना अंधेरे तो डुबन तो बचा लिया कितनी देर से आप बता रहे हैं कि आपके घर का बिल देने वाला था दो तीन महीने हो गए थे दो तीन महीने हो गए थे और मीटर वाले घर में बैठे थे मीटर काटने के लिए हाँ जी घर में अंधेरा छाने वाला था हाँ जी लेकिन जैसे ही आपने अपने जिंदा खुदा को पुकारा किसने मदद को मुहैया कर दिया मेरे यसु मसीह किसने पैसे मुहैया कर दिए यसु मसीह ने क्या मैंने आपकी मदद की मेरे यसु मसीह ने किसने मदद की यसु मसीह किसने की आइए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां यसु के जलाल के लिए जी मैं भी आई से मेरे मेदे में बहुत तकलीफ थी जब दुआ हुई तो मैं फिर मैंने खुदावन ने छुआ मेरी तकलीफ खत्म हो गई कितनी देर तो माजी मैदे से तकलीफ सी मैं तो चार पाँच साल तो सी चार पाँच साल से और जैसे ही आप जुमेरात की मीटिंग में आई मौजजा किसने कर दिया मेरे खुदा किसने किया खुदा ने किसने किया आइए दोनों हाथों को लहराइए अपने दोनों हाथों को अब दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए जी तो मेरा बेटा बीमार हो गया सी बहुत ज़्यादा आपका चैनल लगा सी मैं रो रो के दुआ की थी खुदा ने मेरे बेटे को शफा दी कितनी देर से आपका बेटा बीमार था मेरा बेटा उसी दिन ही बीमार होया सी ईस्टर की रात को और आप बता रही हैं कि किंग टेलीविजन लगा था तो रो रो के जैसे आपने दुआ की खुदा ने शफा दी मौजज़ा किसने कर दिया यसु ने हालेलुया आइए जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए जो दूर और नजदीक का खुदा है खुदा हमदा आपको बरकत दे गॉड ब्लेस यू मुझे ना रात को बहुत डर लगता है मुझे नींद नहीं आती मैंने आपकी प्रेयर लाइन पे भी दुआ कराई इधर आया हूँ मेरा दिल कर रहा था इधर से मैं चला जाऊँ लेकिन खुदा का शुक्र है मैं इधर से छोड़ के नहीं गया खुदा को और मुझे बहुत शफा मिली है खुदा का शुक्र मेरा डर खौफ दूर हो गया रात के टाइम आप सो नहीं सकते थे मुझे रात को नींद नहीं आती डर खौफ डिप्रेशन सोचे तब्दीले बहुत मुझे डर लगता था बुरी बुरे बहुत ज्यादा डर और खौफ में रहते थे अब्लीस ने आपके ऊपर क्या किया था साया डाला हुआ था साया डाला हुआ लेकिन मैंने खुदा का हाथ नहीं छोड़ा मैंने जब भी मुझे डर लगता मैं खुदा की दुआई करता रहा हर वक्त दुआ करता रहा आज किससे आपको आजाद कर दिया किसने किया आप हाथ उठाए खुदा का रूह मुझे कह रहे हैं मैं आपको बरकत दूं खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूल कुदस मैं तेरे बेटे के लिए आज के बाद तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदा हर तरह का डर और खौफ का साया तेरे यीशु के नाम से जाता रहे तेरे पाखरू की आग तेरे बेटे को छू दे मेरे खुदा ताकि आज के बाद ये तेरी महाफसत तेरे डर और खौफ में रहे और ये तेरी खदमत करे मसीह के नाम से आमेन खुदा हमदा आपको बरकत दे और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जी फर्स्ट टाइम आया ईमान से आया हूँ और ईमान से मैं जाऊँगा इधर से खुदा हमदा आपको बरकत दे हंसते रहे मुस्कुराते रहे खुदा की बरकतें लेते रहे मेरी तरफ से सबको सलाम मेरे ना अभी पास्टर साहब ने बुलाया मुझे कि भी किसी की कमर में और टांगों में बहुत पेन हो रही है और मैं उधर बैठी थी बल्कि दूर थी आज बैठी हुई तो मुझे खुदा के जलाल ने बरकत दी मुझे मेरी टांग भी कांपना शुरू हो गई और एकदम से बहुत पेन शुरू हो गई थी जैसे ही पास्टर साहब ने मेरे ऊपर प्रे की और मैंने शफा पाई है और ये मेरे यीशु का ईमान है मेरे के भी मुझे आगे भी शफा और तंदुरुस्ती देगा इससे पहले कितनी देर से आपके तकलीफ थी ये तीन चार दिन हो गए लगातार ही हो रही थी पेन बहुत ज्यादा तीन चार दिन से लगातार आप तकलीफ और दर्द में थी
हाँ जी। आज जैसे खुदा के रूह ने आपको बुलाया, किसने आपको शिफा दे दी? मेरे यीशु ने। क्या पास्टर जॉन ने आपको शिफा दी? जी नहीं, मेरे यीशु ने इनके वसीले दुआ। आइए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। जी मेरी बहन सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि मैं जब घर से निकली तो मेरी टांग बहुत दर्द हो रही थी। जब इधर पाई साहब दुआ कर रहे थे और खुदावन का शुक्र है कि यीशु ने मुझे शिफा दी, अब मेरी टांग में कोई दर्द नहीं हो रही। कितनी देर से टांग में दर्द रहती थी पहले? आज ही मैं गिरी हूँ और आज इतनी बुरी चोट आई और आज ही खुदावन ने शिफा दे दी है। चलने में भी दुश्वारी आ रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी ना, चल भी नहीं सक रही थी मैं। आज चल कर दिखाएंगे सबके सामने। जी हालेलुया। खुदा का कलाम कहते हैं कि हनूस तू कह न चुकेगा और मैं तेरी, क्या कहते हैं जी, और मैं तेरी सुन लूंगा। जी मेरी बहन सलाम। मेरी तरफ से ना मेरा बेटा ठीक नहीं था, जब से मैं इधर आने लग पड़ी हूँ मेरा बेटा ठीक हो गया। क्या प्रॉब्लम थी आपके बेटे को? वो नशा करता था और बलीसी रुकावट थी उसके ऊपर। कितने अरसे से आपका बेटा नशा कर रहा था? बहुत देर हो गई है, 15-16 साल हो गए हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर आई, किसने आपके बेटे की रवशों को तब्दील कर दिया? खुदा ने। किसने आपके बेटे के रास्तों को सीधा कर दिया? खुदा ने। हालेलुया! जोरदार तालियां उस खुदा के लिए जो भला खुदा है। मैं ना यूनाबाद से आई हूँ, पहली दफा आई, दुआ करवाई, 4 साल से कमर में दर्द थी, अभी दुआ हुई है और खुदा ने मुझे शिफा दी है। प्यारी बहन नजमा बता रही है योहन्नाबाद से आप आई है। हाँ। और पहली बार आप यहाँ पर आई है जी। तो पहली बार आने पे खुदा ने आपको आगे बुला लिया? हाँ जी, मेरा ईमान था, मुझे साईं बाबा जी ने बताया था, तो मैं ईमान से इधर आई हूँ। 4 साल से आपने बताया कि आपको टांगों की, कमर की ये साइड पे दर्द, कमर की दर्द थी, बैक साइड पे दर्द रहती थी। हाँ जी। तो जैसे ही पास्टर जॉन ने अनाउंस किया, आप भी आगे आ गई। मौजजा किसने कर दिया? खुदा ने। किसने किया? खुदा ने। हालेलुया! आइए जोरदार तालियां कुदरत वाले खुदा के लिए। जी मेरी बहन, मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मैं जब से मैं तंजुमिन फायर चर्च के साथ में मिली हूँ, इनके साथ मैं चल रही हूँ, खुदावंद का शुक्र है मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और मैं पिछले संडे की बात है कि सिस्टर ना उधर दुआ करवाई इसके ऊपर, इसको नीडल लगी हुई थी हाथ पे, सिस्टर ने पूछा इसको हाथ पे क्या हुआ है, मैंने कहा सिस्टर इसकी 5 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है और इसको ड्रिपे लग रही है, कोई चीज़ भी नहीं अंदर अब इसके पच रही। तो सिस्टर ने, मैंने इतने ईमान से दुआ कराई, तो मैंने कहा मैं जुमेरात को ज़रूर गवाही दूंगी ये ठीक हो जाए आज ही। घर जाते ही जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने उसकी नीडल उतार दी और उस दिन से बिल्कुल ठीक है, सब कुछ खा पी रहा है, खुदावंद का शुक्र है इसके लिए। आप बता रहे हैं कि इससे पहले जो भी खाता था हजम नहीं हो रहा था, उल्टी इतनी बड़ी कर देता था 1 मिनट में। और कितनी ड्रिपे इसको लगी है? 3-4 ड्रिपे लगी थी। 3-4 ड्रिपे लगी है और अभी भी डॉक्टर ने कहा था कि लगेंगी, लेकिन जैसे ही आपने दुआ करवाई तो उसी घड़ी ठीक हो गया। तो मैंने कहा मैं जुमेरात को जरूर गवाही दूंगी। किसने इसके मैदे को जिगर को नया कर दिया? मेरे यीशु ने। किसने मौजजा कर दिया? मेरे यीशु ने। हालेलुया! सिस्टर हमारे बॉस को ना कोरोना वायरस था, तो जब 2 हफ्ते पहले मैं आया था ना, तो मैंने पास्टर जॉन ने और आपने सिस्टर को, हमारा बॉस का बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चों में आ गया, तो ये गवाही थी मेरी। बस आप बता रहे हैं कि जहाँ पर आप जॉब करते थे आपके बॉस आपके मालक को कोरोना हो गया, उन्होंने कहा दुआ करें तो जल्दी से जल्दी ठीक, अब अपने बच्चों में खुश है, तो पास्टर जॉन साहब ने दुआ की और आपने की, तो उसी दिन से तकरीबन। बॉस आपका घर में था लेकिन दुआ की दरख्वास्त घर से की? हाँ जी। इधर तो मौजजा किसने कर दिया? किया? किसने किया? हालेलुया! आइए जोरदार तालियां कुदरत वाले खुदा के लिए, क्योंकि वो कभी हाथ को बढ़ाकर मौजजात करने की कुदरत रखता है। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। आपको भी सिस्टर। मेरी सिस्टर की ना शादी थी छोटी बहन की, और उसके ना एक दिन पहले भी मेरे से इंतज़ाम नहीं था हो रहा, और मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ना सिस्टर को कहा कि ये मेरा मसला है तो इसको हल करें। इवन खाने तक के पैसे पूरे नहीं थे हो रहे, कुछ भी इंतज़ाम नहीं था, और मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जी पैसे देंगे तो हम काम करेंगे।
तो मैं सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू का बुके लाई हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और आज वो मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश है। सब ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, सब कुछ खुदा ने कैसे मुहैया किया मुझे पता नहीं, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सिस्टर सना का भी जिनके वसीला से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप बता रही है कि बहन की क्या थी, शादी थी जी, और कोई खर्चा नहीं था, बड़ी मुश्किल थी। मुझे पता है कि सना बार बार मुझे कह रही थी कि बाजी बहन है उनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन मदद हमने नहीं की। आप जानती हैं किसने मदद की है? यीशु ने। किसने की है? हमारे जिंदा खुदा। किसने मुहैया कर दिया, किसने किया? यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और 5-6 जुमेरात हो गया है, कम इधर लोग अपनी कन्वेंस करवा के आते हैं, और मेरा शोहर दिहाड़ी करता है, और खुदा हमें मुहैया करता है कि हम अपनी गाड़ी करवा के आते हैं, और जो भी टेंशन मुश्किल होती है हमें पता नहीं लगता वो कैसे दूर हो जाती है। तो आज भी मेरा ईमान है कि मैं गवाही दे रही हूँ, हमारी सर पर 1,32,000 का कर्ज है, जो कि हम दोनों मियाँ बीवी रो रो कर दुआ करते हैं कि खुदा हमें इस लानत से आज़ाद करे जो कि हमने सूद की सूरत में लिया था। तो मेरा ईमान है कि हम आपके पास आए हैं, दुआएं करवाते हैं, वो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़ा जलाल जाहिर करेगा, अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगी में। आप हर जुमेरात को अपनी गाड़ी करवा कर आते हैं और लोगों को भी लेकर आते हैं साथ? मेरी फैमिली वाले सारे आते हैं पास में, नसीम साहब की फैमिली भी आती है, और मेरा शोहर जन वो दिहाड़ी करता है सर्विस स्टेशन पर काम कर। लेकिन आज खुदा की खादमा होते हुए मैं आपको बता रही हूँ, आज से आपका सारा कर्ज जाता रहा। अब आप कर्ज लेने वाली नहीं बल्कि आज के बाद देने वाली बन जाएंगी। तैयार है आप? तैयार है? यस। तो जरा हालेलुया का फिर खुशी के साथ नारा लगाना है, रो कर नहीं, खुशी के साथ, क्योंकि यीशु आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया। तशरीफ रखिएगा।